सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यह 2016 मॉडल टोयोटा करोला GLI 1.3 ऑटोमेटिक वाली। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो और इसके थोड़े से सिनेमैटिक्स देख लें, उसके बाद आपको मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ। एंड दिस कार इज अप फॉर सेल एंड स्पेशल थैंक्स टू जैन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना लाजमी है, लाजमी फॉलो करना, और हर इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले को सर मैं इसे एक उम्र का टिकट भी दे और इसे क्यू मोबाइल भी दे, एक यूनिक की मोटर बाइक, यूनिक की मोटर बाइक। जाओ क्या याद करोगे, कुछ ज्यादा हो गया है ना। लेट स्टार्ट द रिव्यू फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इसके अंदर ना, इस गाड़ी के अंदर थोड़े से एड ऑन लगे हैं। पहले मैं इसकी डिटेल्स बता दूं आपको। दिस इज अ 2016 मॉडल जिसके अंदर ये नई चाबी आ गई थी, मतलब जिसके अंदर ट्रंक रिलीज वाला बटन था, ये वो वाला 2016 मॉडल है। और एड ऑन इसके अंदर थोड़े थोड़े मतलब एड ऑन है, मतलब बाद में आफ्टर मार्केट लगवाए गए, वो मैं आपको बताता चलूंगा वीडियो के दौरान। फ्रंट में अगर हेडलाइट्स की तरफ देखते चले तो हमारे पास ये जो हेडलाइट्स हैं ये वही कन्वेंशनल हेडलाइट्स हैं, हैलोजन साइड टर्न सिग्नल्स और पार्किंग लाइट। इस गाड़ी के अंदर फॉग लाइट्स प्री इंस्टॉल नहीं आती और बाद में भी नहीं लगवाई गई अभी तक। ग्रिल जो है वो वही ब्लैक कलर में और क्रोम की। और एक एड ऑन जो है वो ये है कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर फ्रंट पे कैमरा भी लगवाया गया, विच इज़ अ गुड थिंग। साइड पे मूव करते चलें और एक एड ऑन देखते चलें तो वो ये वॉसन के अलॉय रिम्स हैं। इस गाड़ी के अंदर वॉसन के 15 इंच के एलुमिनियम अलॉय रिम्स लगवाए गए हैं जो कि बड़े अच्छे मतलब स्टार शेप में काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। टायर्स इसके अंदर गाड़ी के अंदर एन परीज के टायर्स हैं जो कि नेक्सन के टायर्स बेसिकली आते हैं, वो वाले हैं। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक, रियर पे ड्रम ब्रेक्स हैं, VVTi की बैजिंग। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अब मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू देता हूँ आपको। नॉन रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ऊपर एयर प्रेस लगे हुए हैं। दिस इज द ओवरऑल साइड ऑफ द कार। ब्लैक कलर की होने की वजह से थोड़ी सी ना अंडर एक्सपोज्ड वीडियो बन रही है। उसके बाद बैक साइड पे देखते चले तो बैक साइड पे ऐसा एड ऑन कोई नहीं है। एक एड ऑन ये है कि इसके अंदर ना पीछे रिवर्स कैमरा लगा हुआ है और टेल लाइट्स वही वाली हैं, पहले वाली प्री फेस अपलिफ्ट वाली। नीचे फॉग लाइट्स हैं और GLI की बैजिंग, करोला की बैजिंग है। लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस, हियर इट इज। ये वो नई चाबी वाली है तो इसके अंदर ये बूट ट्रंक ओपन का भी फीचर दिया गया है की के अंदर ही। बूट स्पेस देखते चले तो 470 लीटर की बूट स्पेस दी गई है और विच इज काइंड इनफ। और टायर जो है वो स्पेयर व्हील जो है साइज उसका वही है, लेकिन वो ना अलॉय रिम नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। बाकी आप देख सकते हैं सीट्स भी वो रिक्लाइन वाली नहीं है, ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज द ओवरऑल। और यहाँ पे ना सीलिंग्स हैं, कुशनिंग है तो बड़ी अच्छी ना हो जाती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ द कार एंड चेक आउट द इंटीरियर के अंदर कौन कौन से एड ऑन्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर, हियर इज द की, लेट्स अनलॉक द कार। और गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। सो अब इंटीरियर में सबसे पहले ना मैं सीट थोड़ी सी पीछे करूं ताकि आपको व्यू अच्छा मिले। सो सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गर्मी बहुत है, AC जरा ऑन करते हैं। सो हियर इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और AC जरा ऑन करें। कुछ लोग कहते हैं कि यार आप ठंडी गाड़ी का ही ना AC ऑन कर लेते हो, तो ब्रो क्या करूं यार, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल मैं ऐसा करता हूं कि स्लो एयर पे ना थ्रो पे रखता हूं। अब इंटीरियर देखते चले तो इंटीरियर तो कन्वेंशनली वही इंटीरियर है, आवाज मैं जरा बंद कर लूं। हाँ तो कन्वेंशनली तो वही इंटीरियर है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। और बाकी फिर मैं इसको ना आपको इसके अंदर जो उनसे एड ऑन है वो दिखाता हूँ। स्टेयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल्स नहीं है, स्टेयरिंग व्हील ये है कि अप एंड डाउन होता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ऊपर नीचे होता है सिर्फ, टेलीस्कोपिक नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर देखते चलें तो हमारे पास RPM मीटर है, उसके बाद 240 तक की इस रेंज तक का स्पीडोमीटर है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ना हीट गेज है डिजिटल, यहाँ पे फ्यूल गेज,
और पेट्रोल थोड़ा थोड़ा सा, पार्किंग और आउटसाइड टेम्परेचर और ऑटो ट्रिप मीटर 69,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज और इंस्टेंट फ्यूल एवरेज और रेंज वगैरह गाड़ी बताती है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं जरा इसकी आवाज बंद कर लूं। गाड़ी के अंदर जो साइड मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं है, इंटरनली एडजस्टेबल हैं, आप यहां से देख सकते हैं, और यहां पे कोई बटन नहीं है, सारे डमी बटन्स हैं। और अब एड ऑन दिखाऊं आपको, सबसे पहले तो ये है, एड ऑन नहीं है लेकिन ये डिजिटल क्लॉक है, सब रोला में आती है। एड ऑन ये है कि इसके अंदर 9 इंच का, आई थिंक ये 9 इंच से भी बड़ा ही लग रहा है मुझे, हेड यूनिट लगाया गया जिसके अंदर फ्रंट कैमरा और रिवर्स कैमरा भी दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है। मैं अभी आपको रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ, ये है गाड़ी का रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरे का भी इसमें सपोर्ट है। और स्पीकर्स गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल से दो हैं, आई थिंक दो हैं, हम टेस्ट आउट करते हैं। चार स्पीकर्स हैं गाड़ी में, गाड़ी के अंदर चार स्पीकर्स हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी इज रियली इनफ और बहुत अच्छी है। काफी अच्छी यार इसकी ना वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इज प्रीटी गुड, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मैं इतनी अच्छी भी नहीं कहूंगा। बहरहाल ये हमारे पास यूनिट है, इसके अंदर ये बेसिकली एंड्रॉइड यूनिट है जो कि बाद में लगवाया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है यार, आपको यूट्यूब वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। और उसके नीचे कन्वेंशनल एयर उसकी नॉब्स है हमारे पास एसी की, एसी की थ्रो अभी तो बिल्कुल ठीक है। और ये है कि 1.3 एसी के, करोला में आज तक एसी का कोई मसला ही नहीं आया। ऊपर देखते हैं, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है जो कि गलची बात नहीं है, यहाँ पे देखते चले तो हमारे पास एक वैनिटी मिरर है, उस साइड पे नहीं है। और ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस है। और अब एक और एड ऑन मैं आपको दिखाता हूँ, वो एड ऑन ये है कि गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं वो लेदर स्टिच सीट्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगवाई गई हैं, रेड और ब्लैक के अंदर इसकी लेदर सीट्स हैं और कंट्रास्ट स्टिचिंग आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, बड़ी अच्छी ना सीट्स की कम्फर्टनेस और कुशनिंग बहुत अच्छी है, आपको ऐसा थकाती नहीं है ये सीट्स, और ये भी आफ्टर मार्केट लगाई गई है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, उसके बाद हमारी 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि सुपर ईसीटी ऑटोमेटिक है, सीवीटी नहीं है। यहाँ पे 2 डिमी बटन जो कि ग्रैंडी के केस में, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड और इको मोड आता है। यहाँ पे देखते चलें तो हमारे पास 2 कप होल्डर, हमारा यहाँ पे नीचे काफी अच्छी स्पेस है वैसे, ठीक ठाक है, मतलब 2 ट्रे है यहाँ पे, उसके नीचे हमारे पास दोबारा स्पेस है। यहाँ पे हमारे पास हमारा आर्मरेस्ट है क्योंकि काफी अच्छा ना सॉफ्ट लेदर उसमें यूज किया गया है आफ्टर मार्केट। एंड दिस इज प्रीटी मच ऑफ द फ्रंट साइड, हेडरूम का मसला कोई नहीं है गाड़ी के अंदर। और अभी ना हम थोड़ी सी बैक सीट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी को लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट्स और पिछली सीट्स पे चल के देखते हैं। एसी ऑन है अभी तक के, जरा गाड़ी ठंडी ही रहे। और अभी ये फ्रंट सीट मैं आपको बता रहा था कि मैंने फुल पीछे की थी, और अब फुल पीछ करने के बाद ना, पीछे करने के बाद ना, मेरे पास देख सकते हैं आपके काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेगरूम दिया गया, मतलब मेरी नीज टच नहीं कर रही। उसके बाद हमारा जो फ्लोर ब्लेड है वो बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पे नीचे हमारे पास कोई सॉकेट्स नहीं है, लेकिन एस्ट्रे काइंड ऑफ थिंग आप इसे कह सकते हैं। और मैगजीन होल्डर्स सेंटर में भी लाइट है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे ऊपर ना हमारे वो है ये ग्रैब हैंडल्स, और ऑटो नहीं है, मैनुअली है। और दिस इज द बैक सीट्स, और इसके अंदर हमारे पास जो जीएल है इसके अंदर 2 आर्मरेस्ट है जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी है। एंड दिस इज द प्रीटी मच ऑफ इट। और ब्लैक और रेड की थीम बहुत अच्छी लगती है यार, वैसे ब्लैक कलर की गाड़ी और रेड के अंदर थीम जो सी है ना, लिटरली लुक्स रियली अमेजिंग। और ये हमारा फ्रंट पे ना, हमारा इस तरह से लुक आती है। ट्रंक भी मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको इंजन दिखा दूं, फिर हम इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेक्स ऑफ द कार। इंजन स्पेक्स में क्या बताऊं आपको, सबको बताऊंगी। 1.3 लीटर VVTi इंजन विद सुपर ईसीटी 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ABS की ब्रेक्स हैं साथ, और फ्रंट पे डिस्क और रेयर पे ड्रम। और परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करते चले तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 89 हॉर्स पावर एंड 104 समथिंग न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी की हॉर्स पावर वगैरह थी, बाकी ABS का मॉड्यूल वगैरह आप देख सकते हैं। और गाड़ी के अंदर जो सी है ना बैटरी, ड्राई बैटरी यूज की गई है, और ऊपर इंसुलेशन भी दी गई है। और दिस कार इज लिटरली अ वेरी क्लीन, अ वेरी नीट एंड क्लीन कार। सो अब चलते हैं गाड़ी को लेके टेस्ट ड्राइव की तरफ और देखते हैं गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है। और आप लोग कहते हैं कि यार हमजा भाई आपने अपनी टेस्ट ड्राइव लाजमी डाला करें वीडियो के अंदर ना, तो अब से टेस्ट ड्राइव लाजमी आया करेगी।
और उस गाड़ी का रिव्यू ही नहीं हम किया करेंगे जिसके अंदर टेस्ट ड्राइव ना हो। सो गाड़ी की अगर सबसे पहले हम बात करते चले ना फ्यूल एवरेज की तरफ, क्योंकि एक हर बंदे का ना यही कंसर्न होता है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज कितनी है। तो गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो, ये गाड़ी 1.3 ऑटोमेटिक है, तो इसकी एवरेज आपको तकरीबन ना 9 से 11 मैक्सिमम 11 की एवरेज ये गाड़ी आपको देती है 1.3 ऑटोमेटिक वाली। और अगर आप मैनुअल की बात करें तो मैनुअल की थोड़ी सी इससे बेहतर होती है। दूसरी बात, अगर हम देखते चलें गाड़ी की सस्पेंशन, तो दिस कार इज मेड फॉर पाकिस्तानी रोड्स। ये गाड़ी मैन्युफैक्चर ही पाकिस्तानी रोड के लिए की गई है, और इसकी जो सस्पेंशन और कच्चे पक्के इलाकों में इसका जो रिस्पांस है ना इसकी सस्पेंशन का, वो बहुत अच्छा है। सो अभी बात हम कर रहे थे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की गाड़ी की जो सस्पेंशन है ना इज मेड फॉर पाकिस्तानी रोड्स, नो डाउट। कहीं भी ले जाएं इसको कच्चे पक्के इलाकों में, और नीचे लगने वाली तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, टोयोटा करोला या करोला कभी भी नीचे नहीं लगती। गाड़ी के कंफर्ट लेवल की बात करें तो अगर हम इसे मिलाएं ना किसी भी इस प्राइस बजट की दूसरी गाड़ी से, जिसके अंदर हमारे पास इसी प्राइस बजट में अगर हम देखें तो हमारे पास ना रिबर्थ आ जाती है, रिबॉर्न आ जाती है, तो उनसे तो हम इसके कंफर्ट लेवल को नहीं मिला सकते। इसकी जो सी हाइट है ना, सीट हाइट, वो भी थोड़ी ऊंची है, और ऐसे कह लें कि अगर आप सिविक के यूजर है ना तो आपको इस गाड़ी में फील आएगी कि आप ट्रक में बैठ गए हैं। गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के हवाले से बात करते चलना तो प्रैक्टिकल तो बहुत है गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर मतलब आप 5 बंदे इजीली सफर कर सकते हैं, लॉन्ग पे, शॉर्ट पे इजीली मनूवर, मतलब हाई स्पीड पे भी मनूवरबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। और कहीं भी ना यार ये गाड़ी तंग नहीं करती, बहुत ही, इसे कहते हैं ना कि एक होती है ना एक फ्रजाइल गाड़ी होती है। इस सुकून से चलाएं इस गाड़ी को, 1-2 लाख, मेरा नहीं ख्याल आज तक जितनी करोला ग्रैंडी तक, एक्सएलआई से ग्रैंडी तक लेके 2 लाख से पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी की ऑयल चेंज और ट्यूनिंग के अलावा कोई काम निकलता हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कोई भी काम निकला हो किसी भी करोला में। सो दिस इज द रिव्यू, आई होप यू लाइक इट। और आज मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली एंड द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन बिहाइंड द कैमरा, अतीक भाई। और अतीक भाई, अब आपको ना गाड़ी की डिटेल्स वगैरह बताते हैं। हाँ जी, बेसिकली 16 मॉडल है, न्यू की में है, और 69 की इसकी माइलेज है, ब्लैक कलर है, उसको लगे में है, बाकी एड ऑन मैंने सारे बता दिए कि इसके अंदर पोशेज वगैरह, रिम वगैरह, फ्रंट और रियर कैमरा, एंड्रॉइड पैनल वगैरह, और 24-25 इसकी डिमांड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमजा भाई की वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यार भाई का बताएंगे ना तो जरूर डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। अब ये देखें इतना अरसा यहाँ पे काम करने का मकसद क्या, तो आपको थोड़ा सा भी डिस्काउंट ना भाई की वजह से मिले तो क्या फायदा। अतीक भाई का नंबर नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, अगर मैं वीडियो में देता हूँ ना तो गाड़ी सेल भी हो जाती है, उसके बाद भी कॉल आ रही होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो सो आप अतीक भाई से कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, गाड़ी की डिटेल्स पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी आपको। बाकी ये था रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। अपना और अपने दोनों अगलों का ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।